हे फिलहाल सर, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। और आज हम लोग वापस खेलने वाले हैं कुछ और मनी क्राफ्ट स्काई ब्लॉक्स। तो मैंने ना काफ़ी ज़्यादा बैठ के इसको ऑफलाइन खेला और अपने आइलैंड को बहुत बेहतर बना लिया। पहले से तो बहुत आला हो गया आइलैंड। तो आर यू रेडी टू सी माई आइलैंड इन 3, 2, 1। तो आज के इस एपिसोड में हमारे पास काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि हमने करने हैं, और मैं तुम लोगों को एक एक चीज़ का बताऊंगा। तो अब आपको मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा, मतलब अपना ये बेस दिखा देता हूँ। ये मेरी नीचे एक जगह है जहाँ पे मेरा सारा वर्क एरिया है, ठीक है। ये मेरे चेस्ट वेस्ट पड़ी है, ये मेरे कॉपीज में बहुत मेहनत से इकट्ठा किया बाय द वे। और ये देखो इतनी ज़्यादा सैपलिंग, लिटरली 43 सैपलिंग। एंड और हाँ, ये ऑब्सीडियन आज काम आएगा जो कि हमने उस सैंड आइलैंड से लिया था, तो ये ऑब्सीडियन हमारा आज काम आएगा। और जो ये ब्रिज बना, ये फिर मैंने यहाँ पे ये ब्रिज बनाया जो कि कनेक्ट करेगा हमें उस सैंड आइलैंड से। लेकिन अब उस आइलैंड को मैं यूज़ करूँगा आज के टास्क, आज के हमारा जो मिशन है उसके लिए यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले मैं तुम लोग ऊपर से दिखाता हूँ सारा। अब एज यू नो, ये मेरा कोबलस्टोन जनरेटर था, इसको मैंने काफ़ी सारा अच्छा कर लिया। इधर से मैंने पानी हटा के इधर लगा दिया है, और यहाँ पे कुछ सीड्स लगा दिए जो कि हमें उधर से मिले थे उस आइलैंड से। तो यहाँ पे मैंने ये सीड्स लगा दिए जो कि मुझे फूड प्रोवाइड करेंगे। ये सीड मुझे मेलन देता था, और लेकिन मैंने इसको पानी हटा के इधर लगा दिया है क्योंकि मुझे अभी उसकी ज़रूरत नहीं थी कोबलस्टोन की, सो दैट्स व्हाई। अब ये सारी ग्रास, ये सारी डर्ट है, मैंने अपनी सारी डर्ट इधर लगा दी। देखो ये सारी मैंने डर्ट लगा दी। अब इस जगह को मैंने एक तरह यहाँ पे फेंस से कवर कर दिया। अब फेंस से मैंने क्यों उसे कवर किया है, ताकि इधर मॉब स्पॉन हो सके, जैसे शीप हो गई, काउज हो गई, क्योंकि हमें शीप चाहिए बेड के लिए, या मतलब हम मॉब स्पॉनर बना के उससे भी कर सकते हैं। लेकिन यार, तो ये है मेरा ट्री फार्म, और ये इसने मेरी बहुत हेल्प की है। मैंने काफ़ी ज़्यादा बहुत बड़ा कर लिया है इस ट्री फार्म को, जैसे कि तुम देख सकते हो। पिछली वीडियो में बहुत कम थी, छोटा सा था ये, और अब ये देखो बहुत बड़ा है। तो अब ना आज मैंने क्या करना है, इस सारे को ना वुड करना है, क्योंकि मुझे कॉपर स्टोन इतना कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा है इधर। और इन स्टेयर्स को भी सारे को वुड से करना है, और मेरे वुड है काफ़ी सारा पड़ा हुआ है। अगर ये ख़त्म हो गया तो सैपलिंग्स भी पड़ी हैं, ऊपर से जाके और वुड तोड़ लेंगे। तो या बट आज हमारा जो मेन, सबसे मेन टास्क है वो ये है, आज हमें जाना है नैदर में। अब नैदर में जाने के लिए मुझे हमारे लावा की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो या सबसे पहले जाके हम पोर्टल बना लेते हैं, थोड़े से ब्लॉक्स उठा लेते हैं, ये ले लेते हैं, थोड़े से ये भी ले लेते हैं। तो या लड़का, अब वो एरिया होगा हमारा नैदर का। और ये ब्रिज मैंने प्रॉपर अभी मैंने ब्रिज बन गया, फिर इधर उधर आइलैंड एक्सपेंड करेंगे, और ये मतलब मॉब स्पॉनर्स वगैरह बनाएंगे। लेकिन अभी के लिए हम लोग पहले नैदर जाएंगे। अब कहाँ पे बनाऊँ मैं, इधर बना लेते हैं अपना स्पॉनर ऐसे, फिर ऐसे ये प्रॉपर डायगोनल नहीं है, आई हैव टू मेक इट प्रॉपर। ओके, हमारा नेदर पोर्टल बन चुका है बट एक्टिवेट नहीं है अभी, और इसको एक्टिवेट करने के लिए हमें हमारे लावा की ज़रूरत पड़ेगी। तो ओ शिट, अभी मैं जाता नीचे, इसको मुझे एक्सपेंड करना पड़ेगा और थोड़ा और सेव करना पड़ेगा। और फिर से स्नो फॉलिंग हो रही है, रे क्या बात है। ओके, मुझे इसको फिर से मतलब सारे उसको लावा मुझे लाना पड़ेगा। लेकिन अब मैं इसको, मुझे मतलब आईडी पता नहीं है इसको मतलब कैसे करना है। लेट्स ट्राई आवर सेल्फ, अरे इसको निकाल लूँ क्योंकि हमारे पास रिसोर्स बहुत अभी लिमिटेड हैं, तो हम फजूल खर्ची नहीं कर सकते अभी, कोई गुंजाइश नहीं है फजूल खर्ची की अभी। आई थिंक अगर मैं इसको ऐसे करके कर दूँ ना, तो ये और लावा इधर रख दूँ। कमांड क्या है, ट्रिगर करें एक मिनट, प्लेस लावा दे, यस ओके। अब मैं चाहता हूँ कि इस ब्लॉक को ना, इस ब्लॉक को आग लग जाए, ये आग लगेगा तो ये हमारे नेदर पोर्टल को चला देगा। आई एम प्रीटी श्योर ऐसे ही होता है बॉयज में। ओए लगी 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 लगी, बकेट इधर फेंक दो क्योंकि मैंने मर जाना है। बहुत गंदा डराया यार इसने, जीप नहीं क्या है यार ये, फिर वो वन हार्ड है, खाना भी कोई नहीं है।
मुझे ट्यूटोरियल देखना पड़ता है यार, मेरी अभी ऐसी जैसी हो जाती है। मुझे लेट मी सी द ट्यूटोरियल एंड आई विल कम। 3 days later ओके, मैंने एक ट्यूटोरियल तो देखा है और मुझे थोड़ा सा मतलब आइडिया हो गया मतलब कैसे हो सकता होगा ये। तो लेट मी गेट सम मोर ब्लॉक्स टू डू इट। और मेरे पर यार हेल्थ बहुत कम है। और इसको वो देखो कितना कूल लग रहा है वो लावा फॉल, बट इसको मुझे ब्लॉक करना पड़ना है। बट इट लुक्स सुपर कूल ब्रो। इससे पहले मैं मेरे किसी और चीज़ को जला दे, आई हैव टू ब्लॉक इट हेयर। ओह शिट, ओह शिट, अगर अभी इतना ये मसला करता था अभी बहुत बड़ा मसला होने लगा था। ओके देन आई हैव टू डू लाइक दिस। यस, अब मुझे बस थोड़ा सा वेट करना है जब तक ये जल नहीं जाता ऊपर वाले ब्लॉक्स। जैसे ही जलेंगे ये नेदर पोर्टल को ट्रिगर कर देंगे। ओ हो गया, ओ हो गया, ओ लेट्स गो, लेट्स गो ब्रो। अब मुझे वो चाहिए। ओ शिट हो गया, अब मुझे पकड़ ला नहीं। पकड़ लाओ पकड़ लाओ पकड़ लाओ, उससे पहले मैं सारा सामान चल। भाई किस पे आग लगी है? हेलो, जी, बॉयज हमारा नया रिपोर्टर बन गया, प्रो माइनक्राफ्ट प्लेयर, देखा फिर। ओके बॉयज, वी आर रेडी टू गो इन टू द नेदर, लेट्स जंप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह करे जो हो अच्छा हो। ओ भाई वी आर इन द नेदर। और मेरे क्या लॉल, व्हाट द हेल लॉल, मेरे बॉटल को क्या हो गया है? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय, ओ ब्रो तुम्हें पता नहीं अभी क्या हो गया है। ब्रो यू डोंट नो कि क्या हुआ है अभी। मैं तो वापस जाके बताता। बॉयज आई गॉट एन आइस ब्लॉक। तुम लोग अभी भी नहीं समझ आया इसका मतलब। विच मीन्स आई गॉट इनफाइनाइट वाटर। लेट्स गो बॉयज, लेट्स गो। अब मुझे पानी की कोई टेंशन नहीं। ओ भाई साहब मजा आ गया। और बर्ड सैपलिंग मिली है, अब हम लोग बर्ड ट्री उगा सकते हैं, विच इज ऑल्सो सो मच गुड। और अगर तुम लोगों को बाहर ठक ठक की आवाज़ आए तो इग्नोर दैट, क्योंकि ज़रा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। बट लेट्स गो ब्रो, मैं चेस्ट लगा देता हूँ। इसको हम लोग किसका बनाए चेस्ट? आई थिंक इसको हम लोग बना लेते हैं लाइक वेपन स्टफ, राइट? नो, अभी इसके अंदर फिलहाल ये सब रख दो। बर्ड सैपलिंग ब्रो, आई गॉट अ बर्ड सैपलिंग। और मुझे थोड़े से ब्लॉक चाहिए क्योंकि आई हैव टू क्रिएट अ इनफिनाइट सोर्स ऑफ वाटर। इनफिनिट होता है थी प्रोनाउंसिएशन, मुझे बताओ कमेंट करके क्या क्या प्रोनाउंसिएशन। लेट्स गो, अब मैं अपना एक फार्म बना सकता हूँ। लेट्स गो बॉयज। और मुझे अब इनमें से एक दरख्त को भी खाली करना पड़ेगा जस्ट बिकॉज ऑफ बर्च। मैं, ओह माय गॉड, मुझे एक बहुत अच्छा आइडिया है। मैं अपना जो मतलब वर्किंग एरिया है उसको मैं बर्च कर सकता हूँ रादर डूइंग द ओपन। सो या मैंने यहाँ से सारे ट्रीज ख़त्म कर लेता हूँ, तो मैं आपको वजह से मिलता हूँ। ओके, तो अब मैंने सारे दरख्त काट दिए और अब ये ऐसे ही डिके होते रहेंगे। और हम इधर अपना बर्ड्स वुड का ट्रीज की सैपलिंग लगा लेते हैं। और मैं इनकी भी नीचे सैपलिंग ले आता हूँ जाके। कितनी है? 10 सैपलिंग। ओके, मुझे सबको रिप्लांट कर दो। ओके, तो मैं जाके अपने नेदर वाले उसको थोड़ा सा एक्सपेंड करने लगा हूँ।
That is going to be a good idea to expand it, क्योंकि वो बहुत छोटी जगह है. ओके अब मैंने अपनी सारी इन्वेंट्री खाली कर ली है एंड वी आर रेडी टू गो नेदर एंड थोड़ा सा उसको एक्सपेंड कर लेंगे हम उसे. ठीक है, और मैंने ये सैपलिंग पकड़ ली है स्लैब्स को एक्सटेंड करने के लिए. सो या लेट्स गो. अब यहाँ पे मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या इधर मतलब और आइलैंड्स हैं, क्योंकि मतलब यहाँ पे काफ़ी सारा ग्लोस्टोन मिल गया है हमें, बट मुझे दूर दूर तक कोई और आइलैंड नज़र नहीं आ रहा. ओके मैंने अपनी एफपी भी बढ़ा के देख ली, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ा और आसपास मुझे कोई और आइलैंड नहीं दिखा. और आई डोंट थिंक सो हमें मतलब कहीं से आयरन मिल सकता है, अगर मतलब मैं जब तक आयरन फार्म ना बना लूँ. और देखो सारा ख़त्म हो चुका है यहाँ से माल. एंड वी गॉट अ न्यू सैपलिंग. अब मेरा मूड है कि अब नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग इस तरफ एक मॉब फार्म बनाएंगे, मॉब ग्राइंडर यू कैन से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्काई बॉक्स और मॉब ग्राइंडर. इससे ये भी होगा कि मतलब वी कैन लाइक गेट सम न्यू मटीरियल्स लाइक स्विंग एंड वी कैन बेड सेट. बाकी बॉयज आज के लिए बस इतना है. इफ़ यू एंजॉय मेक श्योर टू लाइक और सब्सक्राइब कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और 100 सब्स हिट करने में हेल्प कर दो अपने भाई को. और इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना मत भूलना, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है. अब मैं तुम लोगों को फिर कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो. एंड वी आर बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल और अब वीडियोज़ आती रहेंगी. हफ्ते में 3 से 4 वीडियोज़ मैं अपलोड कर दिया करूँगा इंशाल्लाह ताला. तो या मेक श्योर टू लाइक और सब्सक्राइब. And I will see you guys in the next video. Till then, goodbye.